स्टूडेंट वी हैव अ न्यू टॉपिक द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर रिजर्व राइट। कल से हमने नोट स्टार्ट कर दिए थे इस चैप्टर के। मैं डिफरेंस में सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ, फिर मैं दो डिफरेंस आपको PDF में दे रहा हूँ, उन नोट्स के साथ उन्हें कंटिन्यू कर लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एन एरिया विद इन विच वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर लाइक हंटिंग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि उन एनिमल्स को जो जंगली जानवर हैं उनको रखा जाता है ताकि कोई उनका शिकार ना कर सके, क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट में रहेंगे, ओपन प्लेसेस में रहेंगे, तो कोई भी उनकी हंटिंग कर सकता है, शिकार कर सकता है, तो उनको खतरा रहता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए बनाई गई है कि ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि कोई उनकी हंटिंग ना की जा सके उस एरिया में। दिस इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइट। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो एन एरिया कंस्ट्रक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये एरिया वो होता है कि पर्टिकुलर जहाँ पर उसे कंस्ट्रक्शन किया गया है कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, तभी इसका नाम बायोस्फीयर रिजर्व कहा गया है राइट। इनको नाम भी दिया गया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल को रखा गया है, प्रोटेक्ट के रखा गया हुआ है ताकि उन्हें हंटिंग ना की जा सके। और ये एरिया कंस्ट्रक्शन किया गया है बायोडाइवर्सिटी में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। हैव यू हर्ड अबाउट इट राइट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आई थिंक जो नाम है इसी से ही इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सो स्टूडेंट यू जस्ट कीप रिमेंबर एंड नोट डाउन दिस वन। बट ये नोट डाउन नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जो मैं PDF दे रहा हूँ वो दो डिफरेंसेस हैं, उसमें जू के बारे में भी है, जू जो आपका चिड़ियाघर होता है राइट। सो वी कैन से दैट कि पर्टिकुलर वो आपको नोट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक है। ये तो आपने समझने के लिए किया, वो आप PDF में नोट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू।